हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस। एंड लास्ट वीडियो में हमने एक एक्टिविटी की बात की थी जिसमें से आपको डिफरेंट डिफरेंट सॉइल का कलेक्शन करके उनको डिस्टिंग्विश करना था। अब कुछ जब हम इस तरीके से अलग अलग जगह से सॉइल का कलेक्शन करते हैं, देन वी फाउंड दैट पॉलीथीन वैक्स एंड प्लास्टिक पॉल्यूट प्लास्टिक्स ऑल्सो प्रेजेंट इन द सॉइल। पॉलीथीन बैग्स और प्लास्टिक्स भी क्या होती है, सॉइल में ही होती है। दे आर रिमेन एज पॉल्यूटेंट्स, वो मिट्टी में या सॉइल में एज ए पॉल्यूटेंट रहते हैं। दे ऑल्सो किल द ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सॉइल, वो क्या करते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं सॉइल में उन्हें मार देते हैं। दैट इज़ वाई देयर इज ए डिमांड टू बैन द पॉलीथीन बैग्स एंड प्लास्टिक, और इसी वजह से ये डिमांड की गई है कि पॉलीथीन और प्लास्टिक्स को क्या कर दिया जाए, बैन कर दिया जाए। अदर सब्सटेंसेज विच पॉल्यूट द सॉइल्स आर ए नंबर ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स, केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड्स। और कौन कौन से ऐसे सब्सटेंसेज हैं जो सॉइल को पॉल्यूट करते हैं, एंड दोज आर केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड्स। जो केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स हम फार्मिंग में काम में लेते हैं वो पॉल्यूटेंट्स का काम करते हैं और सॉइल को पॉल्यूट कर देते हैं। वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड केमिकल शुड बी ट्रीटेड बिफोर दे आर रिलीज्ड इनटू द सॉइल। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, जब भी हम ऐसे पेस्टिसाइड्स और केमिकल को यूज़ में लेते हैं तो उन्हें पहले हमें ट्रीट करना चाहिए, या उन्हें हमें पहले ऐसे प्रोडक्ट में बदल लेना चाहिए जो हमारी सॉइल के लिए हार्मफुल ना हो। नाउ सॉइल प्रोफाइल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉइल प्रोफाइल, मींस हाउ वी कैन टेल द स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल, हम किस तरीके से बता सकते हैं सॉइल की स्ट्रक्चर को। सॉइल इज कंपोज्ड ऑफ डिस्टिंक्ट लेयर, सॉइल कैसे बनी हुई होती है, डिस्टिंक्ट यानी अलग अलग लेयर में बनी हुई होती है। टू एक्सप्लेन दिस वी डू एन एक्टिविटी, हम एक एक्टिविटी करते हैं, उसके लिए हमें क्या करना है, सॉइल लेनी है और उसे एक ग्लास से बने हुए यानी कि कांच से शीशे से बने हुए ग्लास मग में लेना है, ठीक है। फिर हम उसमें पानी ऐड करते हैं, वाटर ऐड करते हैं, तो वाटर ऐड करके उसको हमें स्टिर करना है, फिर उसे हमें 2 मिनट के लिए या 5 मिनट के लिए स्टेबल रखना है बिना हिलाए। तो देखिए क्या होगा, आप यहाँ पे एक ग्लास देख रहे हो, उसमें क्या, उसमें हमने मिट्टी डाली है और पानी ऐड करा है, स्टिर करके उसको हमने स्टेबल किया है, तो देखिए सॉइल की कुछ लेयर्स बन गई हैं, ओके। तो जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं, लार्जर पार्टिकल्स होते हैं, बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स दे सेटल डाउन ऑन द बॉटम, वो बॉटम में सेटल डाउन हो जाते हैं, एंड दिस लेयर इज नोन एज ग्रेवल, और उसे क्या बोला जाता है, ग्रेवल। देन सम फाइन पार्टिकल्स स्टैंड ऑन द ग्रेवल, वो कहाँ पे होते हैं, ग्रेवल के ऊपर होते हैं, एंड दिस लेयर इज नोन एज सैंड। एंड नाउ वेरी फाइन पार्टिकल्स, ऐसे पार्टिकल जो सैंड से भी फाइन होते हैं यानी सैंड पार्टिकल से भी थोड़े छोटे होते हैं साइज में, वो कहाँ सेटल होते हैं, सैंड के ऊपर, जो कि क्ले बन बोली जाती है। इस लेयर को क्या बोला जाता है, क्ले। क्ले के बाद में ऊपर आता है वाटर, एंड वाटर के ऊपर आते हैं लाइटर पार्टिकल्स लाइक ड्राइड लीव्स, ठीक है, ड्राइड जो सूखे हुए तिनके होते हैं वो, ओके, या ह्यूमस। ह्यूमस मींस दीज आर द डिकम्पोज्ड या डिकम्पोजिंग डेड ऑर्गेनिक मैटर्स। ह्यूमस क्या होते हैं, ये डेड ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं जो डिकम्पोज हो चुके होते हैं या हो रहे होते हैं, एंड
दीज आर द, यानी कि ऑर्गेनिज्म जो डेड ऑर्गेनिक मैटर जो होता है, दीज आर द पार्ट ऑफ लिविंग बींग्स। या तो वो क्या होंगे, सूखे पत्ते होंगे, लीव्स होंगी, यानी कि पार्ट ऑफ प्लांट होंगे, या पार्ट ऑफ एनी एनिमल जो सोइल में हैं और जो मर चुके हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ लेयर बन जाती है सोइल की। सबसे पहले सबसे नीचे, क्योंकि वो हैवियर होते हैं इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, उनको ग्रेवल बोलते हैं। उसके ऊपर थोड़े फाइन पार्टिकल होते हैं, साइज में छोटे होते हैं, वो सैंड पार्टिकल बोले जाते हैं, और सैंड पार्टिकल से भी फाइन होते हैं उन्हें क्ले बोला जाता है। तो ये तीन लेयर इस तरीके से बनती है, और उसके ऊपर वाटर आ जाता है, फिर वाटर के ऊपर ह्यूमस होता है। एंड अगेन आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द ह्यूमस। ह्यूमस मीन्स द रॉटिंग डेंट ऑर्गेनिक मैटर इन द सोइल। क्या है ये? रॉटन यानी कि जो सड़ रहे होते हैं, डिकम्पोज हो रहे होते हैं ऑर्गेनिक मैटर। अब ऑर्गेनिक मैटर से मीनिंग मैंने अभी बताया आपको, दीज आर द पार्ट ऑफ प्लांट और एनी एनिमल। ये किसी भी एनिमल का या जो प्लांट है उनके पार्ट हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।